देखिए, जब भी कोई ऐसा इन्फ्लुएंशियल प्रिजनर जेल में आता है तो उसके रखने की तैयारी तो करनी ही पड़ती है। तो जो सबसे पहली तैयारी जो जेल मैनुअल के हिसाब से होनी चाहिए वो ये है कि उनको सेफ़ एंड सिक्योर प्लेस में रखना है, क्योंकि किसी आदमी को कोई अटैक ना करे, नुकसान ना पहुँचाए, ये सबसे पहली जिम्मेवारी होती है सुप्रिंट जेल की। तो सबसे पहले तो इनको सेफ़ एंड सिक्योर प्लेस पे रखना पड़ेगा। सेफ़ एंड सिक्योर प्लेस कुछ भी हो सकता है, कोई बैरिक हो सकती है, बड़ी बैरिक हो सकती है, सेल हो सकती है, तो किसी जगह पे उनको रख सकते हैं। और ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे जैसे ये मेडिटेशन करते हैं, सुना है विपस्ना मेडिटेशन करते हैं, सुना है ये योगा वगैरह करते हैं, तो ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे कि ये सब कुछ कर सके। दिल्ली के बारे में एक अच्छी बात कहें या बुरी बात कहें, ये है कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस या ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ नहीं है। किसी टाइम पे, आज से 30 साल पहले, ये क्लासिफिकेशन सिस्टम होता था जिसमें कि कोई एमएलए है, एमपी है, कोई इनकम टैक्स पे ही है, ग्रेजुएट है, इनको बी क्लास फैसिलिटी मिलती थी। बाकी जो होते थे उनको सी क्लास फैसिलिटी मिलती थी। तो हाँ, इवन दो ये लिमिटेड क्लासिफिकेशन था, इसको भी तिहाड़ जेल ने आज से 30 साल पहले एक कमेटी उठाई थी हाई कोर्ट के जज के अंडर, तो इसको हमने डन अवे कर दिया था। यही अगर ये सिचुएशन होती साउदर्न स्टेट्स में, वहाँ पे क्लासिफिकेशन है, वहाँ पे स्पेशल क्लास है, ए क्लास है, बी क्लास है, सी क्लास है, वहाँ पे ये है, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी होती है। तो यहाँ जो हमारे यहाँ जो तिहाड़ में जो फैसिलिटी होती है ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है। अब जैसे कोई आदमी यहाँ से बीए कर रहा है, एमए कर रहा है, या और कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है जेल से अंदर, इग्नाऊ यूनिवर्सिटी है जेल के अंदर, उसकी ब्रांच है, तो वहाँ कर रहा है, तो उसके लिए जैसे है उसके लिए एकांतवास ज़रूरी होता है। तो उसको ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे कि वो आराम से जो है अपनी स्टडी कर सके, उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो ये होगी ज़रूरत के हिसाब से। अब जैसे अगर मैं इसको लेके आऊँ अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, तो इनको जो है जैसे जैसा मैंने अखबारों में पढ़ा है कि इंसुलिन लेते हैं काफ़ी ज़्यादा, इनको डायबिटीज़ रहती है, तो उसके लिए जो है रिक्वायरमेंट है कि एक मेडिकल प्रोफेशनल के उसमें जो है इनको रखा जाए, जो कि इनकी शुगर के जो रीडिंग्स लेनी होती हैं, इनकी शुगर्स की रीडिंग्स वगैरह ले और कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करे कि जो शुगर अगर ज़्यादा ऊपर या नीचे हो जाती है उसके लिए, प्लस जो दवाई है या जो इंसुलिन है वो इनको बिल्कुल टाइम पे मिले, तो उसके लिए इनको दूसरे प्रिजनर से अलग रखना ज़रूरी है। सेफ्टी सिक्योरिटी मैंने कह दिया, मेडिकल रिक्वायरमेंट कह दी, उसके अलावा इनको जैसे मिलने के लिए जो आम आदमी जो मिलता है वो तो मिलता है कि हमारे यहाँ ये मुलाकात जंगले होते हैं जेल में, आम आदमी मुलाकात जंगले में मिलता है। आम आदमी जो है हफ्ते में 2 बार जो है अपने घर वालों को मिल सकता है, और नाम उसको जो है पहले देने पड़ते हैं, जिनसे वो मिलना चाहेगा तो उनके नाम पहले देने होते हैं, वो 10 आदमियों के नाम देने होते हैं। हमारे टाइम पे 10 आदमी होते थे, अब शायद इन्होंने बढ़ा दिया तो मुझे पता नहीं, तो 10 आदमियों के नाम होते थे पहले देने होते थे। वो 10 आदमी जो है टेलीबुकिंग करके हफ्ते में 2 बार जो है मिल सकते हैं। हमारे यहाँ टेलीबुकिंग सिस्टम है जेल में, जिससे कि आप टेलीफोन पे बुकिंग करवाएं, वो आपको बता देगा, जो ऑपरेटर है वो बता देगा कि आप फला फला डेट को फला फला बजे आप आ जाओ, तो उसकी मुलाकात जो है मुलाकात जंगले में हो जाती थी। पर सिक्योरिटी के लिहाज से इनको मुलाकात जंगले में आम आदमियों के साथ नहीं खड़ा किया जा सकता, तो इसलिए सुपरिटेंडेंट को इनको ऐसी जगह पे मुलाकात करवानी पड़ेगी जहाँ पे इनकी सिक्योरली अलग जगह ये बैठ के बातचीत कर सकें, किसी कमरे में, डीएस के कमरे में या सुपरिटेंडेंट के कमरे में या किसी भी अलग कमरे में, कुर्सी पे इनको बिठा देंगे, साथ जो आएगा कुर्सी पे बात करेगा, बात करके वो मुलाकात वगैरह कर सकते हैं।
इसके अलावा लीगल मुलाकात होती है, और जो प्रिजनर है उनको हफ्ते में एक बार लीगल मुलाकात होती है आधे घंटे की, जो है दूसरी मुलाकात ये भी आधे घंटे की होती है, पर सुपरिटेंडेंट जेल जो है उस टाइम को जो है एक्सटेंड कर सकता है। तो इसके केस में सुपरिटेंडेंट जेल जो है एक्सटेंड कर सकता है, क्योंकि जो भी सुपरिटेंडेंट जेल है उसको एक बड़ा डेलिकेट बैलेंस करना पड़ेगा, ताकि कहीं ये भी ना हो कि किसी को लगे कि इनको एक्स्ट्रा फैसिलिटी बहुत ज़्यादा दी जा रही है, तो उसमें भी आपको कोर्ट खींच सकती है। आपको खाली जेल प्रशासन नहीं होता, आपको कोर्ट भी जो है कह सकती है कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो अगर आप फालतू फैसिलिटी दे रहे हो, क्योंकि कोर्ट हमेशा कहती है कि जो एज पर रूल्स उसको आप जेल में रखो। अगर आप रूल्स को रिलैक्स कर रहे हो, कोर्ट भी आपको खींच सकती है, आपको जेल प्रशासन भी खींच सकता है, और जो एडमिनिस्ट्रेटर है दिल्ली का वो भी आपको खींच सकता है। इसलिए सुप्रीम जेल को बहुत ही उसमें डेलिकेट पोजीशन में उसकी स्थिति होती है, जिसमें कि उसको चलना पड़ेगा। सर, आपने रूल्स की बात की, सिटिंग सीएम के लिए क्या प्रोटोकॉल क्या कहता है, रूल्स क्या कहता है? देखिए, सिटिंग सीएम के लिए जो है कोई मुझे तो लगता नहीं हमारा मैनुअल जो है विजुअलाइज करता है कि कोई सिटिंग सीएम आ जाएगा। इसके लिए कोई स्पेसिफिक कोई वो नहीं है, पर हाँ पहले ये होता था कि अगर कोई एमएलए आ गया या एमपी आ गया उसके लिए बी क्लास फैसिलिटी होती थी, पर आज की डेट में वो बी क्लास फैसिलिटी भी नहीं है। एक आम आदमी की तरह वो रहेंगे जेल में, और उसको जेल में रखना पड़ता है। खाली सुविधाएं जो है उनकी हेल्थ कहती है या एजुकेशन जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप फैसिलिटी देते हो। सर, जैसे अभी ये कहा जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, कि जो सरकार है वो जेल से चलेगी, कितना आपको ये फिजिबल लगता है, और इसमें तिहाड़ जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए कितना चैलेंजिंग होने वाला है अगर ऐसा होता है तो? देखिए, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि अगर सीएम है, सीएम के साथ उनका पर्सनल स्टाफ को बिठाना पड़ेगा, है ना, और स्टाफ को भी करना पड़ेगा, तो वो तो ऐसी कोई जो हमारी जो इस टाइम पे जो जेलें हैं 16 जेलें हैं उसमें ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे कि वो सीएम शिप जो है जेल से चला सकें। उसमें टोटली आपको रूल्स को तोड़ना पड़ेगा, मैंने रूल्स आपको पहले बता ही दिए, टोटल रूल्स को तोड़ना पड़ेगा, तो वो मुझे लगता नहीं कि कोई उसको रूल्स को तोड़ने को कोई अलाउ करेगा आपको। सर, जैसे आपने बात की कि रूल आएंगे, टेक्निकली तिहाड़ प्रशासन जो है, डीजी प्रिजन जो है, वो दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं, ऐसे में दिल्ली सरकार का ही जो मुखिया है वो जेल में होगा, जहाँ उसे डीजी प्रिजन या वार्डन या सुप्रिटेंडेंट की बात माननी होगी, तो कितना एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट आएगा, जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, कन्फ्लिक्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी आएगी? ये टोटल कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है। आप देखें, जैसे सतिंदर जैन थे पहले, वो जेल मंत्री भी थे और जेल के अंदर आ गए, अब जरा सा उनको उन्होंने फैसिलिटी ज़्यादा दी, जरा सी या ज़्यादा जो भी उन्होंने फैसिलिटी दी, आपको शायद पता होगा कि डायरेक्टर जनरल प्रिजन के ऊपर जो उस टाइम पे थे उनके ऊपर एक्शन हो रहा है, सुप्रीम जेल के ऊपर एक्शन हो रहा है। तो जब जितने इन्फ्लुएंशियल लोग आते हैं ये उतनी ज़्यादा वाच में होते हैं, खाली ये नहीं, कोई भी इन्फ्लुएंशियल बंदा है वो जेल प्रशासन की स्पेशल वाच में होता है, और अगर एक्स्ट्रा फैसिलिटी होती है उनको पता है कि हमारे ऊपर एक्शन हो सकता है, या तो एडमिनिस्ट्रेटर एक्शन ले सकता है या कोर्ट एक्शन ले सकती है, इसलिए बड़े सावधान रहते हैं कि इनको उतनी फैसिलिटी दो जितनी इनको जो है मैनुअल में इनकी परमिसिबल है। सर, बतौर डीजी प्रिजन अगर यहाँ से सरकार चलाने की जिद पे अड़े रहते हैं, यहाँ सरकार चलती है, तो डीजी प्रिजन का क्या रोल होगा, कैसे, मतलब वो क्या करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि सरकार चलाना किसको कहते हैं। सरकार चलाना कोई फाइलें साइन करना नहीं होता खाली, हाँ फाइलें साइन करना अगर होता है तो आप फाइलें साइन करो, वो तो आप कर सकते, अगर उसको सरकार चलाना कहते हैं, पर वैसा नहीं है। सरकार चलाने के लिए आपको कैबिनेट मीटिंग में बुलानी पड़ेगी, मंत्रियों से बार बार आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, जो आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं उनसे आपको करना पड़ेगा, और काफ़ी सारा स्टाफ होता है उनसे आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एलजी साहब से भी मीटिंग करनी पड़ सकती है, उनसे टेलीफोन पे बात करनी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ तो टेलीफोन वगैरह है नहीं, टेलीफोन सुविधा नहीं है ऐसी, आपको उनसे टेलीफोन पे बात करनी पड़ सकती है। उसके अलावा बहुत सारी जनता आती है जो आपको मिलने के लिए आती है, जो सीएम की ड्यूटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको ग्रीवांस डिस्पोजल कहते हैं, ग्रीवांस रिड्रेसल कहते हैं,
तो वो चीज़ तो हो नहीं सकती। अगर आप सीएम की ड्यूटी खाली आप ये सब चीज़ें देखें जो मैंने आपको बताई हैं, तो इट इज़ टोटली यू कैन से इम्पॉसिबल टू रन दी जेल फ्रॉम दी जेल। सो बेसिकली दिस इज इम्पॉसिबल टू मेक अ सीएमओ एट तिहाड़ जेल। बिल्कुल बिल्कुल, जेल में सीएमओ ऑफिस क्रिएट करना वो इम्पॉसिबल है। अनलेस, अब मैं इसमें अनलेस भी आपको करके बता रहा हूँ, अनलेस कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको पावर है, वो किसी भी जगह को जो है स्पेशल जेल डिक्लेयर कर सकते हैं, इवन उनके घर को भी स्पेशल जेल डिक्लेयर कर सकते हैं, उनके ऑफिस को भी स्पेशल जेल डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर वो वाली चीज़ जो है जो कि बहुत इम्प्रोबेबल है, बहुत इम्प्रोबेबल। एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स जो जो गवर्नमेंट की डेफिनेशन प्रिजन एक्ट में दी हुई है उसके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटर जो है दैट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगर वो चाहें आपके घर को जेल डिक्लेयर कर सकते हैं, किसी ऑफिस को जेल डिक्लेयर कर सकते हैं, या किसी और बिल्डिंग को जेल डिक्लेयर कर सकते हैं। वो अगर ऐसा करते हैं तब आप खाली इतना जरूर कर सकते हैं कि आप फाइलें वगैरह बेझिझक आप साइन कर सकते हैं, पर उसमें भी जो भी स्पेशल जेल डिक्लेयर करेंगे वहाँ पे एक सुप्रीम जेल भी उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा, स्टाफ भी वहाँ पे उनके घर पे लगाना पड़ेगा, जो कि ये नहीं कि हर कोई जो आ जा रहा है उसको अंदर आने जाने देगा। वो स्टाफ जो है बड़ा विजिलेंट होगा और पहले सुप्रीम जेल से पूछेगा कि इनको मिलवाना है कि नहीं मिलवाना, मतलब हिंड्रेंस उसमें काफ़ी ज़्यादा होगी। पर वहाँ वो टेलीफोन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वो उसमें फिर आगे जब आपने उसको जेल डिक्लेयर कर दिया है तो जेल ये कहता है कि आप जो भी उनकी बातचीत हो रही है उनको सुनेंगे, उसको जैसे अभी प्रिजनर जो हैं वो रोज़ अपने घर पे बात कर सकते हैं, रोज जितने वर्किंग डे होते हैं, पर उनकी बात जो है रिकॉर्ड होती है, 5 मिनट के लिए अपने घर पे कर सकते हैं, उनकी बात जो है रिकॉर्ड होती है। तो यहाँ पे तो रिकॉर्ड वगैरह कैसे करेंगे, मतलब प्रैक्टिकली जो है अगर खाली फाइलें साइन करना है तो यस यस यू कैन डू, पर फाइलें के अलावा जो है बहुत ज़्यादा काम है जो कि सीएम को करना पड़ता है, तो उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि ये इम्पॉसिबल है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।